प्राचीन काल से चली आई परंपरा के मुताबिक गिरनार जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र में प्रति साल शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। विशाल रूप में लोग इसकी दर्शन करके लिए करने के लिए करीब करीब 8-10 लाख यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ भजन और भोजन का दोनों का महत्व है। हर जगह पर हर उतारे पर यहाँ यात्रियों के लिए भोजन और भजन नाती जाति संप्रदाय के भेदभाव के सिवा केवल मानवता के हेतु सबको भोजन और भजन मिले ऐसी व्यवस्थाएं महात्माओं के द्वारा होती है। यहाँ शिवरात्रि के दिन मानो आज नवमी के दिन ध्वजारोहण हुआ और भवनाथ से मेला की शुरुआत हुई। श्रीपंत दशनाम जूनाड़ा अखाड़ा, श्रीपंत जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा तीनों जगह पर ध्वजारोहण हुआ और उसी समय से सब जगह पर भजन और भोजन दोनों की शुरुआत हुई। विशेषताएँ यहाँ ये है कि हर साल जैसे कुंभ में जैसे संतों की सवारी नागाओं की शाही निकलती है, हमारे भारतवर्ष में 13 अखाड़े हैं, टोटल 13 अखाड़े, उसमें 7 अखाड़े हमारे सन्यासियों के होते हैं। मैं यहाँ का श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महामंडलेश्वर भी श्रीपद दशनाम जूना अखाड़ा हूँ। इस नाते से हर साल शिवरात्रि के दिन मानो 13 तारीख को महाशिवरात्रि कभी 13 को होती है कभी 14 को होती है, तो उस समय में रात्रि 8:30-9 बजे श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े से नागाओं की शाही सवारी निकलती है। बैंड बाजा, पुलिस बंदोबस्त, यहाँ का जो अधिकारी गण है वो और हमारे संत मिल करके शासन और अनुशासन दोनों साथ में रह करके इनकी सारी व्यवस्था की जाती है। जूना अखाड़े से शाही शुरू होती है। जूना अखाड़े के इष्टदेव हमारे दत्त भगवान है, ऐसे आवाहन के सिद्ध गणेश है और अग्नि अखाड़े के माँ गायत्री है। वो तीनों की सवारी 3 विभाग में, एक जूना अखाड़ा, उसके मंडलेश्वर, उसके बाद में इनके पदाधिकारी संत, उसके बाद में नागा, और ऐसे ही हमारे विशेष समुदाय में करीब करीब 2000 संत के आसपास शाही में निकलते हैं और उस शाही वहाँ से शुरू होती है जूना अखाड़े से और रूट मुताबिक वर्ली चौक तक नीचे की वह रूट पर सवारी निकलती है। वो शाही घूमते 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 12 बजे ठीक 12 बजे भवनाथ में मुर्गी कुंड में स्नान होता है। नर्मदा में, गोदावरी में, हरिद्वार में और इलाहाबाद में वैसे ही यहाँ मिनी कुंभ मनाया जाता है। हमने अभी थोड़े दिन के पहले राज्य सरकार से इस कुंभ को मिनी कुंभ जाहिर करने के लिए निवेदन किया हूँ और इस साल मैं मानता हूँ 13 तारीख को अपने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वो एक गिरनार सीढ़ी का जीर्णोद्धार, एक यहाँ का गिरनार डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड और एक शिवरात्रि को मिनी कुंभ जाहिर करने का और एक अखाड़ों की जगह जो महात्माओं की जगह है उसको रेगुलाइज करने की जाहिरात करेंगे, ऐसा हमारे साथ में वचनबद्ध हुए। तो उस प्रकार से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला यहाँ लाखों लोगों को सात्विकता प्रदान करती है, व्यसन मुक्ति का संदेश हम लोग देते हैं, समाज के अंदर कुरिवाज चलता है, भय आतंक भ्रष्टाचार समाज में से दूर हो और भ्रूण हत्या का पाप दूर हो और पर्यावरण का जतन हो, व्यसन मुक्ति का संदेश समाज को देते हैं। इति शिवम।